दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि एक हेलीकॉप्टर देखते ही देखते एक झुग्गी में क्रैश हो जाता है और सभी तरफ मातम मचा होता है। अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस लोगों को बचाने में बिजी नजर आती है, पर फिर हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग भयंकर इंसानों को हंट कर रहे हैं, जिसका एक ही वार शिकार को सीधे लुप्त कर देता है। इससे पहले कि सोल्जर्स रिस्पॉन्ड करें, एक भयानक विस्फोट से उन सब की रूह कांप जाती है और फिर स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन की आंखें कैनन की किसी एबेंडन जेल में खुलती है। दिमागी चोट लगने के कारण अब उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और कुछ टाइम पहले उसके साथ क्या घटा था। उसे शरीर में अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है और बिजली का झटका उसे बिल्कुल भी फील नहीं होता। बाहर वो देखता है उसे सभी जगह मातम नजर आता है। कोई खबर नहीं कि आखिर सब हो क्या रहा है। उसके बगल में एक नातिया फ्रेंच मिलिट्री डॉक्टर से अपडेट देती है कि उन्हें एक रेसिस्ट ठग ने कैद किया हुआ है, और इससे पहले कि वो कुछ और बताए अचानक से सारे इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर वायलेंटली स्पार्क करने लगते हैं। नादिया उसे अलर्ट करती है कि ये दुश्मन नजदीक हो सकते हैं, उनका साइन है। वो उसे सबसे बुरी खबर से भी जागरूक करती है कि धरती को इलेक्ट्रिफाइड बाय प्रोडक्ट रोबोटिक एलियंस ने कब्जे में ले लिया है, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि सर्वाइव करने के लिए इंसान एलियन से ही बदतर हो गए हैं, क्योंकि एलियन कम से कम एक झटके में जान लेते हैं। और अब रेसिस्ट तक का ग्रुप लौट आता है, उनके सामने एक व्हाइट मैन की ब्रूटली जान ले लेते हैं। अब सोल्जर का शिकार और नादिया का बलात्कार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोल्जर फाइट बैक करता है, वहीं नादिया थक के मैनहुड को चोट पहुंचा के उसे सबक सिखाती है और गन छटक कर बाकी सभी को निपटा देती है, और लास्ट में वो अपने गुस्से की आग भी बलात्कारी पर निकाल देती है। वही सोल्जर थक को ढेर करने के बाद पहली बार उसका सामना एक एलियन ड्रोन से होता है। इससे पहले कि वो भी निपट जाए, वो एक कार में छिप जाता है। खतरा टलते ही नादिया को बचाने के लिए बाहर आता है, और नादिया खुद की रक्षा करना जानती थी। सोल्जर को अपना नाम याद नहीं है, इसीलिए शर के टैग के बेसिस पर नादिया से बो ना देती है। वो मदद के लिए अमेरिकन बेस जाने का डिसाइड करता है। नादिया उसे याद दिलाती है कि 8 दिन पहले एलियन अटैक में दुनिया के मोस्ट ऑफ द शहर मिट्टी में बदल गए, यानी उसे बेस पर कोई नहीं मिलेगा। वही नियरेस्ट अमेरिकन बेस यहाँ पर से कई माइल दूर है, और एलियन ड्रोन सर्वाइवर्स को सिस्टमेटिकली हंट कर रहे हैं, और वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। उसके जोश को देखकर नादिया भी उसके साथ जाने का डिसाइड करती है। इसीलिए कार को ठीक करके और थोड़े बहुत खाने पीने का सामान जमा करके दोनों बेस की खोज में निकल लेते हैं। पर बीच रास्ते में केनियन सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं, और दोनों के सरेंडर करने पर भी जब वो बो के हाथों पर सैटेलाइट का सिंबल नोटिस करते हैं तो वो तुरंत बो को वहीं ढेर करने लगते हैं। लेकिन वो अपनी जटिलता से कुछ लोगों को छोड़कर सारे गनमैन को निपटा देता है। वो की उन्हें धमकी देने पर उन्हें बताते हैं कि वो सिंबल हैविली गार्डेड अमेरिकन रेडियो स्टेशन का है, जहां एग्जैक्ट वैसी ही विशाल सैटेलाइट मौजूद है। उनका मानना है कि अमेरिकन्स ने अपने मतलब के लिए उस सैटेलाइट का यूज करके एलियंस को धरती पर बुलाया है, इसीलिए सिवाय उनके सैटेलाइट के सब कुछ तबाह हो गया है। वो को यकीन नहीं होता कि उसके देश के लोग ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए उनकी जीप लेकर वो गुस्से की आग में रेडियो स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। और अगर केनियंस की बात सही निकली तो वो खुद अपने हाथों रेडियो स्टेशन को नष्ट करने की कसम खाता है। इनके रास्ते के बीच में एक एलियन ड्रोन के पीछे पड़ जाता है। इलेक्ट्रिक वायर से घिरे रास्ते से होते हुए बचते बचाते लोग निकल आते हैं, और इनकी गाड़ी वहीं ठप पड़ जाती है, और इसीलिए उन्हें कार छोड़कर मलबे के पीछे छिपकर पनाह लेनी पड़ती है। पर एक मासूम परिवार एलियन ड्रोन के बीच फंस जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए पिता अपने कुर्बानी देकर अपनी बेटी को बचाने के लिए एलियन ड्रोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर बेचारे दोनों मारे जाते हैं। वहीं ये दोनों चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाते, इनफैक्ट वो खुद भी ऑलमोस्ट एलियन ड्रोन का शिकार बनते बनते बच जाते हैं एक डॉक्टर होने के नाते। ये मंजर देखने के बाद नादिया पर गहरा असर पड़ता है। कुछ और मंजिल तय करने के बाद दोनों एक जगह रात को जाने के तय करते हैं, और बातों से दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानने और समझने लगते हैं। अगली सुबह होते ही दोनों पैदल निकल पड़ते हैं, पर बीच रास्ते में कुछ एलियन ड्रोन हंटर्स उन्हें घेर कर बंदी बना लेते हैं, और एलियन ड्रोन को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें चारा बनाकर बीच रास्ते में चेन में बांध देते हैं। जब वो काम कर जाता है, क्योंकि एलियन ड्रोन उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और मौका मिलते ही वो चारों तरफ से अपने कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम देते हैं। और चाहे वो कितनी हजारों गोलियां बरसा लें, बाजूका से भी फायर करें, वो उसे ढेर नहीं कर पाते। इससे पहले कि वो अपना आखिरी रास्ता एलियन ड्रोन को इलेक्ट्रिक्यूट करके मार गिराए, तब तक एक और एलियन ड्रोन उन पर टूट पड़ता है। वो कैसे भी करके खुद को कैसे छुड़ा लेता है, और उसे हैरानी होती है कि वो ठीक एलियन ड्रोन के सामने होते हुए भी वो उसे छोड़कर बाकी सभी को हंट कर रहा है। किसी तरह नादिया को भी रिहा करने के बाद दोनों तुरंत छिप जाते हैं और ड्रोन हंटर के पीछे पड़ जाते हैं। आसपास का एक्सपीरियंस करने के बाद आगे उन्हें एक बुरी तरह घायल फोटोग्राफर मिलता है, जो उन्हें देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों बाद जिंदा लोगों को देखा है।
उनसे शेयर करता है कि वो दुनिया भर में एलियन के विरुद्ध लड़ने के जोश को जगाने के लिए निकला था अपने कैमरा की मदद से। दोनों को एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि एक बड़ा सा एलियन मदरशिप इंसानों को अगवा कर रहा है। वहीं उसे पता है कि वो बचने वाला नहीं है, इसीलिए वो उनसे उनकी जान लेने के लिए बहुत विनती करता है, क्योंकि वो इस तरह तड़पते हुए नहीं रह सकता था। और जाहिर तौर पर दोनों हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की, पर उसके कई बार गिड़गिड़ाने के बाद नादिया को दिल पर पत्थर रखकर उसकी जान लेनी पड़ती है। कई दिन तक रास्ता तय करते करते बीच बीच में बो को अपनी याददाश्त थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। रास्ते में एक नई कार को हाईजैक करने के बाद उन्हें अब साफ नजर आने लगता है कि एलियंस ने धरती पर कैसा कहर बरसाया है। और उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी कि अब हजारों में एलियन ड्रोन्स उनके पीछे पड़े थे। कार में भी स्पीड ना होने के कारण उन्हें कार छोड़ के एक अबैंडन्ड घर में बना लेनी पड़ती है। अब चारों तरफ से घिरे होने के कारण वो बेसमेंट में छिप जाते हैं और एलियंस की सेना घर को रेंगते हुए निकलने लगती है। बाहर सब कुछ थमता महसूस होता है, पर ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि एलियन मदरशिप उन्हें अपने शिप की तरफ खींचने लगता है। हैरानी की बात कि शिप नादिया की तरफ खींची चली जाने लगती है। वो की लाख कोशिश करने पर भी वो नादिया को नहीं बचा पाता और लास्ट में वो बेचारा अकेला छूट जाता है। वो पैरों से घायल लंगड़ाते लंगड़ाते फाइनली बेस पहुंच जाता है और उसका आखिरी आसरा बेस एलियन के हमरे में खंडर में बदल गया होता है। पास में एक रेजिस्टेंस का पता चलने पर वो उसी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। कमजोर और घायल वो एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ स्पाइडर लाइक ड्रोन्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर हैरानी वाली बात यह है कि वो उसे बिना चोट पहुंचाए अपने रास्ते निकल जाते हैं। आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि वो रेजिस्टेंस फाइटर्स द्वारा बचा लिया गया है। उनके लीडर से उसे पता चलता है कि वो एक ईएमपी बॉम्ब पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से वो एलियन मदरशिप को इलेक्ट्रिक्यूट करने के विचार में, जो सारे एलियन ड्रोन्स को कंट्रोल करता है, जिससे वो तभी डेटोनेट कर सकते हैं जब एलियन मदरशिप का सबसे कमजोर मोमेंट, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होगा, वो तब। तब वो की नजर उनके कुछ स्केचेस पर पड़ती है। तब उसकी याददाश्त और भी ज्यादा लौट आती है कि उस घटना के बाद एलियन ड्रोन से उसकी स्पाइन में ट्रांसमिटर डिवाइस फिट कर दिया गया था, जिसके कारण से शायद उसे कई बार एमनेशिया अटैक्स और उसमें बिजली के झटके को सहने की शक्ति भी पैदा हो गई थी। इसीलिए वो जहां भी गया ड्रोन्स ने उसे आसानी से ढूंढ निकाला। एलियंस उसे यूज कर रहे ताकि वो उसे फॉलो करते हुए बाकी इंसानों को हांड या अगवा कर सके। इसी तरह उसका पीछा करते करते एलियन ड्रोन्स को रेजिस्टेंस के अड्डे का भी पता चल जाता है और अब वो हजारों की संख्या में उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब इसे एक रेजिस्टेंस फाइटर का दिमाग घूम जाता है और उससे वो बो की जान लेना चाहता है, लेकिन बो उन्हें समझाने में सफल हो जाता है कि वो इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो खुद ही ईएमपी बॉम्ब को मदरशिप के करीब ले जा सकता है। सभी मिलकर प्लान तैयार करते हैं, जहां एलियन वाला शिप हमेशा लोगों को सेम जगह इकट्ठा करते हैं अगवा करने के लिए, जिस जगह वो टनल्स के रास्ते पहुंच सकते हैं। वो टनल्स के रास्ते निकले ही होते हैं कि बीच रास्ते में स्पाइडर ड्रोन्स की सेना उनके पीछे पड़ जाती है, पर वही रेजिस्टेंस फाइटर खुद का बलिदान देकर उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। और बचते बचाते वही टारगेट लोकेशन पहुंचने पर उन्हें नजर आता है कि वो मासूम लोगों की भी इस बॉम्ब को डिटोनेट नहीं कर सकते। ड्रोन्स बो का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए वो बिंदास उनके सामने जाकर एक को ग्रेनेड से डेटोनेट करके लोगों को भागने के लिए रास्ता तैयार करता है। आप सभी जान बचाकर भागने लगते हैं और यहाँ दोनों अपनी जान पर खेलकर ईएमपी बॉम्ब को मदरशिप के पास ले जाने लगते हैं, मगर एक हमले में उनके डिवाइस की बैटरी फेल हो जाती है। इससे पहले कि ड्रोन्स डिवाइस को नष्ट करे, वो रियलाइज करता है कि एजेंट सिर्फ उनके नहीं है, सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इसीलिए उस फोटोग्राफर की तस्वीर को याद करके वो उसी तरह एक सिंपल सा पत्थर से वार करके लोगों में एलियन के खिलाफ लड़ने का जोश को जगाता है, जो काम कर जाता है और सभी लोग ड्रोन्स पर टूट पड़ते हैं। अब उनके डिवाइस को चार्ज करने की प्रॉब्लम गई नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी जान पर खेलकर करीब क्रैश ड्रोन की इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट करके ईएमपी को ट्रिगर कर देता है, जिसके भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विस्फोट ने मदरशिप इलेक्ट्रोड की ओर होकर अबैंडन्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पर गिरकर वो नष्ट हो जाती है। अगली सुबह आंखें खुलने पर वो की याददाश्त पूरी तरह से लौट आती है कि वो कहाँ रहता था और आखिर उसका रियल नेम क्या है। पर गुरु नादिया की याद में वो खुद को बो नेम करने का तय करता है और अब शायद धरती एलियन के कंट्रोल से मुक्त हो गई है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे जरूर फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गगन है, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में।